खुश्क खोंदा रया इश्क रोंदा रया। मैंने कहा आंखें नीचे कर। जो बेसहारा होते हैं ना वो कानों के तेज होते हैं, जबान के नहीं। जात की नौकरानी और मालिकों से जबान दराजी। हेलो। हाँ अम्मा। हेलो। एक महीना हो गया ना तूने फोन किया ना फोन उठाया। ये तो बता कैसी है मेरी बच्ची। अम्मा मैं बाद में फोन करती हूँ। सुन सुन सुन, फोन मत रखना। तेरा क्या पता फोन कब उठाएगी दोबारा। हाँ बोल। वो तूने छुटकी की शादी की तारीख रखने का कहा था और ये भी कहा था कि कुछ दिनों में पैसे भेज देगी। 5 दिन रह गए। जेवर वाले को फर्नीचर वाले को कल एडवांस देना है और खाने का खर्चा 2 लाख बन रहा है। मैंने रब से बहुत दुआ की कि तुझसे मांगने के लिए मुझे फोन ना करना पड़े, लेकिन वक्त बहुत कम रह गया है। फोन किए बगैर रहा नहीं गया। तेरे अब्बा भी कल से पैसों के लिए बहुत परेशान है। कुछ कहा उन्होंने। कहा तो कुछ नहीं मगर कल से कुछ खा नहीं रहे। चाय पी वो भी आधी प्याली। बस मैं समझ गई कि परेशानी ने भूख को दबा रखा है। तूने उनसे कहा तो नहीं कि मैंने पैसे भेजने का कहा है। नहीं नहीं पागल हो गई है क्या। तेरा नाम लूंगी तो बुढ़ापे में तलाक दे देंगे मुझे। मैंने कहा है कि तेरे मामा मदद कर रहे हैं। बस मां दुआ कर मैं करती हूँ कुछ। दुआ मतलब तेरे पास नहीं है कहीं से आने हैं क्या। अम्मा कहा ना मिल जाएंगे। अब फोन रख। अच्छा अच्छा बेटा बस आज का ही दिन है। या अल्लाह तू ही मदद करने वाला। मलिक नूरुद्दीन की क्या लगती हो तुम। दादा है मेरे। आप कुर्सी पे बैठिए प्लीज। बैठिए। एक इज्जतदार इंसान है वो, फरिश्ता सिफत है वो, और तुमने उनकी इज्जत दबाते हुए एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा। जानते हैं उन्हें। मेरे मोहसिन है वो। अरे वो तो दूसरों की आबरू पे चादर डालते हैं और आप। देखिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आप उन्हें कुछ नहीं बताएंगे। प्लीज आप उन्हें कुछ नहीं बताइएगा। नहीं बताता लेकिन आप भी वादा करें कि उनकी इज्जत और हुर्फ निशाने देंगे और इस गलती को दोबारा होने की इजाजत नहीं देंगे। मैं आपसे वादा करती हूँ मैं नहीं करूंगी। मैं तौबा करती हूँ मैं नहीं करूंगी। लेकिन साकिब आप साकिब को तो छोड़ देंगे ना। उसकी कोई गलती नहीं है। बहन अब 1 मिनट नहीं रुकेगी। 35 मिनट हो गए मैं जा रहा हूँ। अंकल प्लीज बाजी को छोड़ के मत जाएं। वो यहीं कहीं कुछ खरीदने गई होंगी। तुम्हें चलना है तो चलो मैं जा रहा हूँ। अंकल प्लीज थोड़ी देर और रुक जाएं। आ गई।
कहाँ गई थी बाजी? वो मैं कुछ किताबें खरीदने गई थी। माशाल्लाह, चलें। मुन्ना, मुन्ना, बस हो गया आधा घंटा। तू जा इससे पहले कि मेरी बदकिस्मती वहां पहुंच जाए, तेरे पहुंचने से पहले। अच्छा सुनो, ये लो कुछ पैसे रखो, शामी भूखा होगा, तू ले लेना, ठीक है? और गुडनी भी कुछ नहीं खाया है, उसको कुछ खिला देना, और किसी तरह भी बस रोक के रखना, दादा बस आने ही वाले होंगे। अब बेफिक्र है बाजी, मैं चलता हूँ। जल्दी करो मुन्ने। इतनी बड़ी जुर्रत करने से पहले अपनी छोटी सी औकात याद रखना। मेरे फैसले में टांग अड़ाई तो टांग तोड़ दूंगी। वापस आओ। चलो मेरे साथ। चल अंदर बैठ। बैठ, खड़ा क्यों? बैठ। सुल्तान जी, अल्लाह बेटी, गाड़ी आने में तो 4 घंटे हैं, वो भी वक्त पे आ गई तो वरना 5-6 घंटे तो। मगर तुम क्यों इतनी जल्दी आ गई? क्यों चाचा, तुम्हें बिल आ रहा है? या 3-4 घंटे पहले आना गुनाह है। 100 करोड़ों की सजा मिलती होगी। वैसे मिलती भी है ना, तो मैं सह लूंगी। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, तू समझ नहीं रही है। मैं ये कहना चाहता था, बच्चे को तुमने बेंच पर लिटा रखा है, बेंच सख्त है, दुख जाएगी, दुख जाएगी। दुख रहा होता तो यूं खामोशी से लेटा होता, सुकून में है तभी चुप है। ना समझे नहीं। बस चाचा, अब मतलब ना समझाने लग जाना। मेरा पहले ही बहुत बुरा दिन गुजरा है, दिमाग बंद है मेरा। कुछ ऐसा वैसा कह दिया ना तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। समझ गया ना, वो तो तेरी बातों की कड़वाहट से लग रहा है कि तू परेशान है। नहीं मानता मेरे। मैं यही होता हूँ स्टेशन पर, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना, देता तो ऊपर वाला ही है, अगर मुझे वसीला बना लेगी तो मेरा भी भला हो जाएगा। मलिक साहब, आप अगर मेरी काबिलियत पे शक करना छोड़ दें तो कसम से इस इलाके के नसीब बदल जाएंगे। कैसी काबिलियत? मुझे इलेक्शन में खड़ा कर दें। खुदा की कसम,
इस हलके के सारे मसले मसाइल घुटनों के बल बैठ जाएंगे। रोड पे खड्डे तो दूर की बात है, भूला भटका कंकर भी दिखाई नहीं देगा, और साला साल गाड़ियां आवाज करने का नाम ही नहीं लेंगी। एक मिनट। हेलो दादा, दादा कहाँ है आप? इतनी देर से मैं आपको फोन कर रही हूँ। बेटे तुम रो क्यों रही हो? दादा ताई ने गुटी को बहुत मारा है और धक्के देके घर से निकाल दिए। मगर क्यों? आप बस घर आ जाए ना, वो एक जवान लड़की एक छोटे से बच्चे को लेके कहाँ जाएगी अनजान जगह पे, और अगर उसको कुछ हो गया ना तो पछतावा हाथ धो के मेरे पीछे पड़ जाएगा। पागल हो गई है रोशनी की माँ, मेरी बात करवाओ। जी मैं भी कराती हूँ। ताई, ताई दादा का फोन है, उन्होंने आपसे बात करनी है, दरवाजा खोलें प्लीज। ताई, ताई खुदा का वास्ता दरवाजा खोलें प्लीज। ताई बात तो कर ले एक दफा। ताई, दादा ताई दरवाजा नहीं खोल रही, नहीं कोई जवाब दे रही है। बेटे तुम फिक्र ना करो, मैं शाम तक घर पहुंच जाऊंगा। शाम तक तो बहुत देर हो जाएगी, और उसके बाद तेरा। बेटे कुछ देर इंतजार तो करना पड़ेगा ना। ताई दरवाजा खोले ना प्लीज, ताई दरवाजा खोले प्लीज, ताई दरवाजा खोले। ए मुन्ने उठ, जा जा के दरवाजा खोल दे, जा उठ मुन्ने। कमाल है, फोन ही नहीं उठा रही। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? हाँ, घर चल के ही पता चलेगा। ओ लड़की उस बच्चे के साथ अकेली है, इस अनजान जगह पे प्लीज ताई, मेरी जिम्मेदारी थी ताई प्लीज। ये जुलेखा बदबख, जा जा के दरवाजा खोल दे, उठ यहां से। सलाम बाजी, अम्मा मुझे शादी पर 5,000 वाले बहुत ही बुरे पॉलर से तैयार करवा रही हैं। कसम से बाजी, वो जहर से भी ज्यादा बुरा तैयार करती है। दूसरा पॉलर ना बहुत अच्छा है, वो 10,000 लेती है। अम्मा से आप कहें ना, आपकी बात टालेंगी नहीं प्लीज। महक को फोन कर लूं? नहीं नहीं अभी नहीं, इसे लगेगा मैं मजबूर हूँ। तड़पने दो इसे अपने बच्चे के लिए, जैसे मेरी अना तड़प रही है अपनी जिल्लत पर। तेरा जुल्म कत्ल के जुल्म से बड़ा है, बेटी के हाथों होने वाले माँ बाप की इज्जत का कत्ल किसी इंसान के कत्ल से कम नहीं होता।
कुटी तुम्हें खुदा का वास। मेरे ताई के किए हुए जुल्म की सजा मेरे बच्चे को मत। जितना भी गुस्सा है मुझ पे उतार लेना, मुझे मार लेना, लेकिन लेकिन प्लीज वहां से मत जाना। दादा जैसे ही आएंगे कुछ ना कुछ करके मैं तुम्हें घर वापस ले आऊंगी, और कहोगी तो आज ही सारे पैसे दे दूंगी। प्लीज लेकिन वहां से मत जाना, तुम्हें खुदा का वास्ता कुटी प्लीज। मेरा बच्चा शामी, तेरे अब्बा भी कल से पैसों के लिए बहुत परेशान है। तूने कहा था कि कुछ दिनों में पैसे भेज देगी, 5 दिन रह गए। जेवर वाले को, फर्नीचर वाले को कल एडवांस देना है। या मेरे अल्लाह, आपके लिए तो जर्रे से भी छोटा काम है ये, कर देना। मैं आंखें बंद करके खोलूं तो मेरी महक आदम। शुक्र है आदम, आदम मेरा बच्चा, मेरे बच्चे को बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ। तुम्हारा बच्चा, इस बच्चे की मां ने, और मां है तो फिर इंसान नहीं। चाचा, चाचा बात सुनो। इसको भूख लग रही है, इसके लिए दूध ला दो। गुड्डी गुस्से की बहुत तेज है, उसका गुस्सा एक ही लम्हे में उसके एहसास की जान ले लेता है। मेरे दिमाग में अजीब से वहम आ रहा है कि मेरे बच्चे शामिर को कोई छोड़ के। गुड्डी कौन? गुड्डी वो झूठ मूठ की मुलाजमा बनकर मेरे साथ आई थी, घर वालों से छुपाने के लिए मैंने झूठ बोला था कि शामिर मेरा बच्चा नहीं, उसका बच्चा। कहां से लाई हो इस गुट्टी को? कराची से। कब से जानती हो उसे? सिर्फ 4 दिन हुए। प्लीज मेरे बच्चे को बचा ले, मेरी उखड़ी हुई सांसों की बहाली सिर्फ तुम्हारे हाथों में। सिर्फ 4 दिन में किसी अजनबी पे इतना यकीन? और कुछ लोगों को तो अपनी पूरी की पूरी उम्र लग जाती है यकीन दिलाने के लिए। तो क्या करती? कोई रास्ता, कोई हल, कोई सुलझन दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही थी। मेरा वीजा खत्म हो गया था, मुझे आना था वापस। घर वालों को खबर किए बगैर बस जहाज में बैठी और आ गई। घर वापस आने के लिए जिस ट्रेन की टिकट चाहिए थी वो खरीदी भी थी। ये लो भाई। भाई
टिकट चाहिए मीर आदम की। 940 रुपए। ये लीजिए, पैसे ले लीजिए। ट्रेन के आने का इंतजार करने लगी। जहन बिल्कुल खुद खाली जाम हो गया हो जैसे। हराम है जो एक भी सोच शुरू होके खत्म की गई हो मुझसे। ट्रेन रुकी, सारे मुसाफिर जाने लगे, पर मेरी टांगे खड़े होने से पहले ही मर गई हो जैसे। सांस ही नहीं था, हौसला ऐसा था जैसे मुझे छोड़कर किसी दूसरे शहर जाके बस गया। टिकट खरीदती थी और खौफ फाड़ देता था। पूरी रात मुश्किल का हल मिल जाने की दुआ करती रही। नमाज पढ़ी, आपके चेहरे पे ये इतना खौफ किस बात का है? खैरियत है ना? कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं। तुम्हारे पास कोई और कपड़े होंगे? मैं कपड़े बदल कर नकाब करके तुम्हारे साथ बैठ जाऊंगी तो हो सकता है वो मुझे ना पहचाने। शायद ऐसे मेरी जान बच जाए। तो खुद मदद की तलबगार थी, उसने मुझसे मदद मांगी, सभा ने पूछे बगैर ही हाँ कर दी। मैं और मेरी मजबूरी बेबसी के हाथों इतना थक चुके थे कि कोई खामोश दीवार भी हमारा हाल पूछती तो चीख चीख कर सुनाती। और गुड्डी तो इंसान थी, उसने पूछा, मैंने सब बता दिया। उसने मेरी मजबूर आंखों को कुछ देर देखा और कहने लगी, मैं जो कह रही हूँ वो मान लो। सबको लगेगा बच्चा मेरा है और तुम्हारे पास 60 दिन होंगे तो मैं इसके बाप को भी ढूंढ लूंगी। भाई देखो,
इज्जत और एतबार की कोई कीमत नहीं होती। मेरा बाप कहता था और मुझे यकीन है कि दुनिया में सबसे ज्यादा फायदा इज्जत और एतबार बेचकर कमाया जा सकता है। और सिर्फ 6 लाख ही तो कह रही, वो भी क्योंकि तुमने मेरी मदद की है, वरना 12 लाख से कम का काम नहीं है ये। ट्रेन की फिर 2 टिकटें खरीदी और सुबह ट्रेन यहां आने के लिए चल पड़ी। ये सब क्या कर दिया है तुमने महक? खुदा का वास्ता, उन दोनों को किसी तरह भी वापस ले आओ प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। ये सब मत करो, जो कुछ पहले बताया उसे सह तो लूं मैं, पर ये सब करके मेरी सांसों को मजीद मुश्किल में मत डालो महक। तुमने कह दिया है तो मैं जाऊंगा और मैं वादा करता हूं उन्हें वापस लेके आऊंगा इंशाल्लाह। तुम रो मत, चौकीदार, चौकीदार, चौकीदार। जी बेगम साहब। क्या कहा था मैंने, महक स्टेशन ना पहुंच पाए, कैसे जाने दिया तुमने? जी आदम सर के घर पे गई हुई, मैंने एक सेकंड के लिए नजरें नहीं हटाई। एक सेकंड के लिए नजर नहीं हटाई, कोई काम नहीं होता तुमसे। क्या कर रही हो यहाँ? मैं गुड़िया से मिलना है कि बचपन से तुम्हें जानती हूँ मैं, जब भी तुम्हें पुकारा है तो आदम कहकर ही पुकारा है। अब बदलते वक्त के साथ तुम्हारा नाम भी बदल गया है क्या? गुड़िया भी पुकारने लगे हैं लोग। कहाँ जा रहे हो? क्यों? जवाब में वजह पूछी है, सवाल पर सवाल रखने को नहीं कहा तुम्हें। तो आपके अब्बा जान ने कुछ कागजात लाने के लिए कहा है, वो लेने के लिए जा रहा हूँ। कागजात लेने जा रहे हो तो कागजात ही लेकर आना, वापसी पर कहीं कभी ना खत्म होने वाली मेरी और तुम्हारी दुश्मनी की वजह साथ मत ले आना, समझे? लगता है आज हम दोनों को मारेगा। हा? पहले हमारी भूख को और फिर हमें। तुम पहुंचे? हाँ। अब ये मत कहना कि वो नहीं है वहां पे, चली गई है। एक लड़की है, गुलाबी रंग का दुपट्टा है, बच्चा भी है उसकी गोद में। हाँ हाँ वो ही है, खुदा का वास्ते उसको जाने मत देना प्लीज, उसको रोक। ठीक है।
क्या? मेरी बात ना कान खोलकर सुन लो, अगर छेड़ने की या नंबर मांगने की कोशिश की तो पकड़ के थप्पड़ मार दूंगी, समझे? मुझे जरूरी बात करनी है आपसे। अच्छा, बात करनी? अकेली लड़की देखकर राल टपकने लगी? तुम्हारी बात की तो ऐसी की तैसी। मैं अकेली नहीं जाऊंगी। भूख नहीं है, मुझे तो खाना है भाई। किस्मत बड़े दिनों के बाद जुबान के लिए अलग अलग जायके लाई है। इनकार करके अल्लाह की नेमत को झुठलाने का कोई इरादा नहीं मेरा। अब इस मेहरबानी की वजह भी बता दो। भांजा है मेरा, मतलब तेरा जुल्म गैरों से फैलता फैलता तेरे घर तक आ पहुंचा। रुके, खाना तो खा लेने दो, फिर थप्पड़ भी खा लेने। मोहब्बत भरी इस दावत के पीछे छुपा तेरा मतलब छुप छुप कर झांकता हुआ साफ दिखाई दे रहा है मुझे। बोल, आप क्या जिदा कर रहे? इसे समझा, ये समझ रहा है कि मेरे दिल के किसी कोने में तरस छुपा बैठा है, तो इस पर आने के लिए कभी ना कभी सामने आ जाएगा। नामुमकिन को मुमकिन होने का इंतजार लगा है। सर, तेरी बेतरसी को लफ्जों की जरूरत है क्या? तेरा जुल्म तो साफ साफ लिखा है। देख देख मेरी इन उजड़ी हुई आंखों में, फिर पड़ी हुई दाढ़ी में, मेरे उलझे हुए बालों में, इतनी साफ और शफाफ लिखाई में लिखा है कि कोई अनपढ़ भी इसे आसानी से पढ़ सकता है। मुझे मत समझा, इसको समझा, इसको बोल के मेरी बेटी से शादी कर ले। कोई 13 बरस की तो हो गई होगी वो। मैं कैसे जानूंगा?
14 बरस बीत गए, 14 बरस बीत गए हैं तेरी इन कड़ी सलाखों के पीछे। बंद करो खानदान का 3 दिन के लिए। मुश्किल खोंदा